चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें, कमेंट योर क्वेश्चन आल्सो सो दैट वी कैन आंसर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ वीडियोस में बात की फ्योल और टेलर के बारे में, जो उनका जो थ्योरीज दिया हुआ था उसके डिफरेंसेस के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग है क्या, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग उसके बारे में बात की, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग उसके बारे में बात की। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जो एक पॉइंट जानना चाहिए वो है, पीटर एफ डकल जो साहब जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। कई बार ये मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते भी हैं, हु एम्फेसाइज्ड ऑन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो एम्फेसाइज किया था वो थे पीटर डकल साहब। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको पहले अभी थ्योरी बता देता हूँ, फिर वही अपना पुराना तरीका, एक रिलेवेंट एग्जांपल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उस पर डील करूँ। नीड फॉर बिग एंड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू साइज किसके लिए होता है? तो ये उनके लिए होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए, जो ग्रोइंग होते हैं, जो बढ़ गए होते हैं उनके लिए। अभी एक एग्जांपल से बताओ, एक चीज़ सोच के बताओ कि क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक चावल दाल दुकान में ज़रूरत है? जो छोटा दुकान है, जो आपके घर के बगल का किराना दुकान है, नहीं, वहाँ पे एक आदमी होता है, वही तौलता है, वही पैसा काटता है, वही आपको प्रोडक्ट देता है, वही खुद का परचेजिंग करता है। इट मीन्स उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा नहीं है। बट वहीं पर अगर वो मल्टी लाइक शोरूम है, या फिर आपका रिटेल चेन का कोई बिजनेस है जो रिटेलिंग करता है, या कोई मॉल में लाइक बिग बाजार, रिलायंस या डिफरेंट टाइप्स के मॉल्स जो हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे देते हैं। उनमें बिलिंग का कोई और स्पेशलाइज पर्सन होता है, उनमें प्रोडक्ट हर सेगमेंट का एक अलग स्पेशलाइज पर्सन होता है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एरिया को देखना, उस प्रोडक्ट को देखना। साथ साथ में उनमें फाइनेंस होता है, उनमें स्कीम्स टीम होती है जो डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट पे स्कीम्स अभी देना है, कैसे रॉयल्टी सिस्टम जनरेट करना है फॉर द कस्टमर। तो आपको समझ में आएगा कि नीड फॉर बिग एंड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, द कंपनी विच डोंट चेंज देमसेल्फ टू सेल और नॉट फ्लेक्सिबल मे क्लोज डाउन। अब जो कंपनी है, आपके बगल का किराना दुकान है, अगर उसका सेल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अगर वो खुद ही तौलने का काम चालू रखे, खुद ही बिल करने का काम चालू रखे, खुद ही परचेजिंग करे, खुद ही आपको सर्विसेज दे, सारी चीज़ें करे, तो क्या एक लेवल के बाद जब अगर वो बढ़ गया है, पहले अगर उसके पास 5 कस्टमर आते थे, अब उसके पास 500 कस्टमर आ गए, तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई कस्टमर्स उससे अनसेटिस्फाइड होंगे एंड दे विल शिफ्ट टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन या अनदर ब्रांड। तो आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के लिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज एसेंशियल। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज एसेंशियल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर रहे हैं, उनमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं गए, कोऑपरेशन नहीं गए आपके कॉलेज में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सारा काम आपके डिपार्टमेंट के HOD, डीन या आपके कॉलेज का स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल ही करने लगे, तो क्या हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि वो सारी चीज़ों को कर पाए? वही मैथ्स भी पढ़ाए, वही साइंस भी पढ़ाए, वही फिजिक्स भी पढ़ाए, वही केमिस्ट्री भी पढ़ाए, वही कॉमर्स भी पढ़ाए, वही अकाउंटिंग भी पढ़ाए, वही हिस्ट्री भी पढ़ाए, वही ज्योग्राफी भी पढ़ाए, वही कलर का काम करे, वही आपका प्रिंसिपल का काम करे, वही पनिश भी करे, वही गार्ड भी हो स्कूल का, कॉलेज का, और वही आपके यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटीज़ हो, तो इज़ इट पॉसिबल? नहीं। तो दिस इज़ वॉट की कोऑर्डिनेशन आपस में एक दूसरे में होना चाहिए, एक दूसरे में कोऑपरेशन होना चाहिए, तब जाकर के आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द टीम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन सही से रहेगा, तो टीम का जो लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम को अच्छे से मैनेज करे, अच्छे से मैनेज करेगा, अच्छे से हैंडल करेगा, टीम को अपॉर्चुनिटी देगा, टीम को मौका देगा, तो वो आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीड्स टू स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल। वो स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है एंड बेटर कंट्रोल होता है। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज वॉट, प्रिंसिपल साहब है एक स्कूल के, एक कॉलेज के, उन्होंने कम्युनिकेट किया HOD को, HOD साहब ने अपने जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या जो प्रोफेसर है उनको कम्युनिकेट किया, वो जब आपके क्लास में आए तो उन्होंने आपको डाला, या
कॉलेज के स्कूल के नोटिस बोर्ड में आ चुका है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें आ चुका है, स्कूल का कोई अपना ऐप है, इस कॉलेज का कोई अपना ऐप है तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर पर्सनलाइज तरीके से स्टूडेंट को अटेंशन दिया जाता है, अगर उन सभी को मैसेज करके बताया जाता है तो ये हो गया तो बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कंट्रोल रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे कई बार सवाल आते हैं। तो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, वन फंक्शनल, सेकेंड डिविजनल। फंक्शनल कौन सा है और डिविजनल कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी सपोज लाइक जस्ट थिंक, आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच रहा हूँ, लाइक यस ब्लैकबेरी, द कंपनी इज द नेम इज ब्लैकबेरी, विच ब्लैकबेरी के मैं खास सेगमेंट की जिसकी बात कर रहा हूँ वो है टेक्सटाइल, ठीक है, फैब्रिक्स। ब्लैकबेरी कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, अब उसमें जो फैब्रिक्स का जो काम है, जो टेक्सटाइल का काम है, उसमें उसका एक MD होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में जो कंट्री हेड होंगे, VPs होंगे, वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के लिए अलग होंगे, HR के लिए अलग होंगे, मार्केटिंग के लिए अलग होंगे, परचेस के लिए अलग होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग होंगे। तो मतलब इन सभी पांचों के ऊपर में MD साहब बैठे हैं। ये हो गया ब्लैकबेरी का, ब्लैकबेरी 10 ब्लैकबेरी, MD साहब 10, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, R&D एंड परचेस, दिस वॉज द डिपार्टमेंट। तो दिस इज, ये जो पांच डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, R&D एंड परचेस, ये अलग अलग फंक्शनल है, इनका अलग अलग काम है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं बात करें डिविजनल की, तो ब्लैकबेरी के बारे में हम लोगों ने, पहले ये MD साहब थे, ये ब्लैकबेरी था, ब्लैकबेरी में टेक्सटाइल के MD साहब ये थे, ठीक है। अब इनके अंडर में ये एक है ब्लैकबेरी वाले साहब, ये ब्लैकबेरी हो गया, उसके अंदर में MD टेक्सटाइल, MD सेलफोन्स, MD कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, MD लैपटॉप्स, MD लाइक आपके होम अप्लायंसेस, MD इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनका 6-7-10 डिपार्टमेंट है, तो उसको कहा जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर उनको कहा जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कामों को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया जाता है। आपको याद होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, ITC कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ ITC, ITC इंडियन टोबैको कंपनी। इंडियन टोबैको कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गुड्स बनाती है, होटल में है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, फिर उनका चॉकलेट्स वगैरह अलग डिपार्टमेंट्स है, फिर उनका कंजम्पशन सर्फ साबुन शैम्पू वो अलग डिपार्टमेंट है। तो ये 4-5 इनके डिवीज़न हो गए, डिवीज़न स्ट्रक्चर। अब इसके अंडर में लाइक ITC जो सिगरेट्स वगैरह भी जो बनाती है, या जो हॉस्पिटल्स में काम करती है, होटल्स में काम करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में काम करती है, तो ये 4 डिपार्टमेंट डिवीज़न हो गए ITC के। अब इस डिवीज़न के अंडर में जो आपका सिगरेट बनाने वाली टीम है, या जो सिगरेट की टीम है, उसका प्रोडक्शन अलग होगा, उसका HR अलग होगा, उसकी मार्केटिंग अलग होगी, उसका फाइनेंस अलग होगा, उसका R&D अलग होगा, उसका परचेज अलग होगा। तो ये जो इसके अंदर में आ गए हैं, जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, या बनाने में, या डेवलप करने में, या जो भी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दिस इज फंक्शनल, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट, एक खास प्रोडक्ट के अंडर का सेगमेंट है, तो ये प्रोडक्ट लाइन के अंडर हो गया। वहीं पर बात करें अगर होटल के बाद फिर आपका टोबैको, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड डिटर्जेंट्स वगैरह, तो ये सभी डिविजनल हो गया। और इनके अंदर में जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो 4-5 तरीके की टीम काम कर रही है, जो टीम रेगुलरली चीज़ों को बांट गई है, फंक्शनल कर गई है, या उसको ऑपरेट कर गई है, उसको बोलते हैं फंक्शनल। इसको समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। ITC के कितने प्रोडक्ट हो गए? 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गए, सिगरेट जिसको टोबैको में आ गया, हॉस्पिटैलिटी, होटेल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल जो आप ITC के देखते हैं, ये उनका हो गया एक अलग डिवीज़न हो गया। तो ये 4-5 डिवीज़न ITC के हुए। इन सभी डिवीज़न में जो लोग काम कर रहे हैं, इसका बंदा जो है, जो टेक्सटाइल का काम कर रहा है, सॉरी जो आपका टोबैको का काम कर रहा है, वो इसका इससे मतलब नहीं है,
ये अलग है, ये अलग है। तो इससे क्या होता है कि सभी का काम स्मूथली चलता रहता है, स्मूथली चलता है, तो हर डिवीजन जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से अंडरस्टूड होता है। उसको कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करना है, कौन से रॉ मटेरियल पे फोकस करना है, किस पे प्रमोशन करना है, किस पे नहीं करना है, और वो सारी चीज़ें जब अच्छी तरीके से क्लियर होती है तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी ही बढ़ता है। और ये सारे फंक्शनल जब मिल करके काम करते हैं तो एक डिवीज़न को फ़ायदा मिलता है, सभी डिवीज़न मिल के काम करते हैं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलता है। सो दिस वॉज डिवीज़न एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको मैं बताऊंगा एंड देन वी विल वाइंड अप द वीडियो। एडवांटेजेस, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, पहला जो मैंने आपको बताया फंक्शनल या जो होता है, तो एचआर का एडवांटेज उसको मिल जाता है, मार्केटिंग का एडवांटेज मिल जाता है, परचेस का एडवांटेज मिल जाता है। जैसे उसी ने उसने उसी पे काम किया, उसी सेक्टर पे काम किया है तो उसका फ़ायदा उसको मिलता है। सेक्टर मतलब अगर कोई क्लासमेट वगैरह के जो कॉपीज आते हैं, तो जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो अगर वो बंदा का एक्सपीरियंस स्टेशनरी प्रोडक्ट में है तो उसका एडवांटेज आईटीसी के स्टेशनरी डिपार्टमेंट्स को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट हर डिवीज़न का एक एमडी होता है, हर डिवीज़न के अंडर में अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उनके बीच में आपस में कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट के बीच में। इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी टू अचीव द प्रॉफिट, हर मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। नेक्स्ट, मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को 10 बार करने का जो प्रक्रिया है वो घट जाता है। फोकस ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। ऑल फंक्शंस गेट अटेंशन, जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी स्पेशल अटेंशन पाते हैं, सभी पे फोकस होता है कि किन का काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि उन सभी के वीपीज अलग हैं। उन सभी के वीपी जो उनके एमडी को रिपोर्ट कर रहे हैं, एमडी रिपोर्ट कर रहा है ग्रुप के चेयरमैन को, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है वर्क हार्ड एंड गेट डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क। अब आप इसको समझेंगे, वर्क हार्ड एंड गेट डिप्लोमेसी डुप्लीकेसी ऑफ वर्क। टोबैको वाला का मार्केटिंग अलग है, स्टेशनरी का मार्केटिंग भी है, तो इसका भी काम मार्केटिंग करना है, इसका भी काम मार्केटिंग करना है, तो काम बढ़ गया। और मार्केटिंग इज द डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क इज दिस। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन में बड़ा दिक्कत होता है। अब इनका एचआर जो है, इनका एचआर आपस में कोऑर्डिनेशन में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए होता है क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, मदर तो एक ही है, बट उसके बच्चे अलग है, उनके बच्चों के बच्चे अलग है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन का दिक्कत होता है। जैसे आपका हमारे यहाँ रिलेटिव्स में होता है, लाइक आपके आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी की चार बेटी, चारों बेटी की या चारों बेटा के अलग अलग बच्चे, तो कोई कहीं और है कोई कहीं और, तो आपस में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में बड़ा दिक्कत होता है। दिस इज इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, इस डिपार्टमेंट का इस डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस डिपार्टमेंट का इस डिपार्टमेंट से। जैसे फाइनेंस वाला बोलेगा मुझे पेमेंट चाहिए, मार्केटिंग वाला बोलेगा माल क्रेडिट में दो, क्योंकि हमको माल मार्केट में डिमांड है और क्रेडिट बाजार का ट्रेंड यही चल रहा है। नेक्स्ट, फंक्शनल हेड डोंट गेट ट्रेनिंग ऑन द अदर फंक्शन एंड स्किल ऑफ द डेवलपमेंट। अब फंक्शनल हेड जो है हर डिपार्टमेंट का है अलग अलग है, जैसे एचआर का वीपी अलग है, मार्केटिंग का वीपी अलग है, तो क्या मार्केटिंग का वीपी एचआर का काम ले रहा है सीख रहा है, या एचआर का वीपी फाइनेंस का काम सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने काम में फोकस्ड है, तो कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है, उसके जो स्किल्स है, वो रेगुलरली अपग्रेड नहीं हो पा रहे, वो रेगुलरली बढ़ नहीं पा रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत है, वो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने बताया। साथ साथ में हम लोगों ने बात की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट जो हम लोगों ने शुरू में शुरू किया था वो मैं फिर से बता दूँ, पीटर एफ टर्कर ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे खास इम्फेसिस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर आपको सारी चीज़ें कंटेंट समझ में आ गई हैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलेंगे जल्दी और नए टॉपिक्स के साथ। सीखने के लिए बहुत सारा ज्ञान है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।